हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो फिर से आएगा आपके लिए जबरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक का आप पहला जान लीजिए और ट्रिक क्या है। तो IRCTC इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो या आप टिकट निकालने के लिए यूज़ होता है इस एप्लीकेशन, या आप ट्रेनिंग ट्रैक करने के लिए देखते हो, या ट्रेन जो भी आप ट्रेन रिसर्च करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो आप उस यूज़ करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासपोर्ट चाहिए। उस पासपोर्ट को आप भूल गए हो, मतलब आपको जो भी यूज़र आईडी है या पासपोर्ट है आप भूल गए हो, तो सिंपल में इस ट्रिक के मदद से सिंपल में आपको पासपोर्ट या यूज़र आईडी न्यू जनरेट कर सकते हो। यूज़र आईडी और पासपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हो और किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए यहां तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। आने के बाद आपके पास जो भी क्रोम है सिंपल में उस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। तो सिंपल में मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ। देखिए आप सर्च बार दिखता है, आपको सर्च बार में आप सिंपल में IRCTC सिंपल में टाइप कर सकते हो। सर्च कीजिए सिंपल में, सर्च करने बाद देख सकते हो गाइस आपके पास जेन्युइन एक वेबसाइट आता है। सिंपल में देख सकते हो इस वेबसाइट पे सिंपल में क्लिक कीजिए। सिंपल में क्लिक करने में वो आप ओपन होकर आता है, खुलकर आता है। आने के बाद देख सकते हो प्रोफाइल आइकन है ना, सिंपल में इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने में आपको जो भी यूज़र आईडी, मतलब आप यूज़र आईडी ही नहीं आपको पता, फिर भी आपको एक बार कंफर्म करना है यही यूज़र आईडी है या नहीं, तो फिर भी एक बार आप इधर से ट्राई कर सकते हो यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर। लेकिन आपको पूरा ही नहीं पता है तो सिंपल में कुछ नहीं करना जरूरी है। देख सकते हो गाइस इधर फॉरगेट अकाउंट डिटेलिंग है, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो फिर से इस तरह से आता है, देख सकते हो इस तरह से फिर खुल कर आता है। इस तरह से आने के बाद कुछ करना जरूरी नहीं, आपको मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए और नीचे जो कैप्चा है वो फिलअप कीजिए। तो सिंपल में फटाफट फिलअप करके चलिए आगे प्रोसेस जानेंगे। देख सकते हो कैसे मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप किया, कैप्चा मोबाइल नंबर फिलअप करने में देख सकते हो ऐसे नीचे आने के बाद देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन दिखने का, नेक्स्ट ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में देख सकते हो आपको इधर यूज़र आईडी, जो भी आप यूज़र आईडी रखना चाहते हो सिंपल में उस यूज़र आईडी के डाल दीजिए। यूज़र आईडी डालने के बाद आपको जो भी आप उधर नंबर मोबाइल नंबर डाले रहते हो उस मोबाइल नंबर को OTP आता है, उस OTP को इधर फिलअप कीजिए। OTP फिलअप करने के बाद सिंपल में आपको जो भी न्यू पासपोर्ट रखना चाहते हो इधर न्यू पासपोर्ट रखिए। न्यू पासपोर्ट रखने के बाद इधर कंफर्म पासपोर्ट रखिए। कंफर्म पासपोर्ट रखने के बाद ऐसे नीचे जाए, आने के बाद जो भी इधर कैप्चा है इस कैप्चा को इधर फिलअप कीजिए। तो सिंपल में इतना सारा होने के बाद सिंपल में अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए इतना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि IRCTC तो सिंपल में आप यूज़र आईडी पासपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हो जान गए होंगे। तो आपको बताने का कोशिश किया, आशा करता हूँ कि आपको सही तरीके से बचल गया होगा। तो पता चला तो प्यारा सा एक लाइक कर सकते हो, फिर ऐसा ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो का पूरा जानकारी, मतलब इस एप्लीकेशन का पूरा आपको जानकारी चाहिए तो नीचे जाके प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।